नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार मालिश्का बहुत ज़्यादा टेंशन में है और उससे ज़्यादा टेंशन में इस समय नीलम है, क्योंकि दोनों के दोनों इस समय जो कि ऋषि की को देख रहे हैं कि आखिरकार ऋषि कहाँ गया। लेकिन दोस्तों ऋषि इस इधर लक्ष्मी को लाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि लक्ष्मी फाइनली हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल चुकी है, और अलविदा लक्ष्मी ने बोला नहीं है बल्कि ऋषि के प्यार के खातिर ही लक्ष्मी एक बार फिर से आती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि कुछ लोग इतने ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे लक्ष्मी के जिंदा देखकर, और कुछ लोग वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ऋषि के फादर, ऋषि की दादी आहाना आयुष, ये वाकई में लक्ष्मी को चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मी से प्रेम करते हैं, लक्ष्मी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऋषि को कहीं ना कहीं भरोसा था कि मेरी लक्ष्मी जिंदी है, और वाकई में दोस्तों हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि लक्ष्मी और ऋषि के प्यार की फाइनली जीत हो पड़ी है। लेकिन वहीं बात की जाए मालिश्का की, तो मालिश्का को इस समय थोड़ा धक्का तो लगा है, और वहीं पे नीलम ने जो कि विक्रांत से बोल दिया है कि हम इस लड़की को इसकी शिकल तक नहीं देखना चाहते। जी हाँ, क्योंकि लक्ष्मी के साथ में इस समय उल्टे सीधे अलग अलग तरीका के शब्द यूज करती हुई नजर आ रही है नीलम। नीलम की बात की जाए तो नीलम सिर्फ यही काम कर सकती है कि दूसरे को जितना हो सकता है उसको खरी खोटी सुनाने के अलावा उसके पास में और भी कोई रास्ता नहीं है। ये एक रियलिटी है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, और आप लोग जानते ही हैं कि पहले से ही बहुत ज़्यादा चालू चिड़िया है इधर मालिश्का और नीलम, जो लक्ष्मी को हमेशा से ही कहीं ना कहीं मारने की प्लानिंग रचती हुई नजर आई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अंतिम घड़ी क्या होती है, क्योंकि मालिश्का की शादी तो किसी भी तरीका से ऋषि से तो नहीं होगी, ये तो कन्फर्म है दोस्तों। क्योंकि बात की जाए तो लक्ष्मी के साथ में इस समय पूरे टाइम हॉस्पिटल में है। थैंक यू सो मच।